दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल स्पार्क चैनल पे। और दोस्तों आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही केंद्रीय बजट पास हुआ है और रेल बजट भी उसके साथ पास हुआ है। पहले आज से करीब 3-4 साल पहले ये अलग अलग होते थे, लेकिन अब इन्हें मर्ज कर दिया गया है तो ये साथ में है। तो दोस्तों आज मैं बताता हूँ कि रेलवे के इस बजट में क्या क्या हम आम आदमी को मिला है और क्या क्या नहीं मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेलवे से जुड़ी हुई घोषणाओं का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार 27,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी। इस रेल बजट में प्रस्ताव रखा गया कि 1 साल के अंदर 27,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। 150 ट्रेनें PPP के जरिए शुरू की जाएंगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। और इसके साथ ही उन्होंने ये घोषणा भी की है कि 4 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन योजनाओं पर खर्च करने के लिए सरकार ने 18,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इन योजनाओं मतलब रेलवे के विकास के लिए जो 4 स्टेशनों का विकास किया जाए उन पर 18,600 करोड़ की का वो होगा खर्च होगा। इसके अलावा रेल पटरियों के किनारे सोलर पावर ग्रिड का निर्माण किया जाएगा। 148 किलोमीटर में बंगलुरु उपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा, जिसमें केंद्र सरकार 25% की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। इस योजना में 18,600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि इसका विकास मेट्रो की तर्ज पर किया जाएगा। दोस्तों ये एक मतलब अच्छी बात है कि जो सब अर्बन ट्रेनें हैं उनका विकास किया जाएगा बेंगलुरु के आसपास। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 10 ऐसी मुख्य बातें इस रेल बजट की जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जिसको पहला है दोस्तों, रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर रेल पटरियों के साथ एक बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। PPP मोड के माध्यम से 4 स्टेशन और 150 यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। तेजस जैसी और ट्रेनों को देश के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों से जोड़ेगी। सरकार की योजना है कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, हिंदुओं के धार्मिक स्थान हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर लिया जाए और इसके लिए तेजस जैसी ट्रेनों का उपयोग किया जाए। दूसरा है दोस्तों, मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन को सक्रिय रूप से चलाया जाएगा। पता नहीं क्या है इसका मतलब, समझ में नहीं आया मुझे। और ये पुरानी ही खबर है, मतलब जो अभी मैंने ऊपर बताई, 18,600 करोड़ रुपये की लागत से 148 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु उपनगरीय परिवहन योजना शुरू की जाएगी, जिसका किराया है वो मेट्रो के मॉडल पे होगा, यानी कि महंगा होगा। मेट्रो का मॉडल महंगा होता है इसलिए महंगा होगा। केंद्र सरकार 20% फंड देगी और बाहर से 60% धन जुटाया जाएगा, और 20% कहां से आएगा पता नहीं। 100 लाख करोड़ रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा। इस फंड का उपयोग किस लिए करेंगे अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इससे जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर और बेहतर बनाया जाएगा। नेशनल गैस ग्रिड की शुरुआत की जाएगी। ये गैस ग्रिड क्यों शुरू करेंगे ये मैं आगे बता पाऊंगा, इसमें ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। 27,000 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण किया जाएगा, ये पुरानी बात है, बिल्कुल होगा। पावर एनर्जी के लिए 22,000 करोड़ का प्रावधान है। पावर एनर्जी मतलब मुझे लगता है सोलर पावर एनर्जी के लिए 22,000 करोड़ का प्रावधान है। दिल्ली मुंबई और चेन्नई बंगलुरु एक्सप्रेसवे का काम जल्द पूरा हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जो मुझे लगता है कि इसमें मुख्य बात जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है कि कन्फर्म टिकट को लेके कोई बयान नहीं है। अभी तक जितने भी मंत्रियों का बयान आ रहा था केंद्र सरकार की, वो यही कि कन्फर्म टिकट मिलेगा। पीयूष गोयल का भी बयान था और सबके बयान जो आ रहे थे कि कन्फर्म टिकट मिलेगा और उससे फ़ायदा होगा लोगों को, वेटिंग लिस्ट कम हो जाएगी, फास्ट स्पीड ट्रेनें चलेंगी, सब साफ सफाई को लेकर बहुत सी चीज़ों को लेकर इसमें कोई बयान नहीं है। और दोस्तों दुखद बात यह है कि पूरे रेल भाषण में मात्र 2 मिनट से भी कम का समय उन्होंने रेल को दिया, बाकी पूरा समय उन्होंने और जो बुनियादी ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए और पुरानी योजनाओं के बारे में दिया। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। एक रेल फैन के तौर पे तो मुझे लगता है कि सरकार ने रेल को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है इसका। सरकार की जो लब्बे लुआब योजना है वो यही है कि रेल को बेच के जितना कुछ कमाया जा सकता है कमाया जाए। और तो दोस्तों आगे और भी रेल बजट को लेकर कुछ विश्लेषण होंगे, निश्चित मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे रेल को लेकर कुछ नई जानकारी, कुछ नए सूचना लेकर। नमस्कार दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करता हूँ वो मिलता रहे।